16 वर्षीय शख्स की हत्या ने लई दिल्ली पुलिस ना स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक के कहू आरोपी साहिल नी उत्तर प्रदेश ना बुलंदशहर थी धरपकड़ करवामां आवी छे। आरोपियों ने कड़क में कड़क सजा मळे ते सुनिश्चित करवा अमे तमाम शक्य पुरावा एकत्रित करीशुं। बच्ची की नृशंस हत्या की गई है, पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ हो या पता चल सकता है तो उसका एनालिसिस उसकी स्टडी कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है, उसको अब लेकर आ रहे हैं और बाकी जो फर्दर न्यूएंसेस ऑफ जो केस है वो हम उस तक पहुंचकर और बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे और स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट एक्यूज्ड को हो और उस तरह के एविडेंसेस और सर्कमस्टांसेस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए हम कड़ी से सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। सर, जो अक्यूज हमको कहां से अरेस्ट किया और उनकी प्रोफाइल क्या है जो अक्यूज? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का इनिशियल स्टेज है लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें जो विक्टिम है उसकी उम्र 16-17 साल है, जो एक्यूज्ड साहिल है इसकी उम्र 19-20 साल है और अभी तक के इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये कोई एसी या फ्रिज बनाने के काम में मैकेनिक का काम ये करता है, ये बात सामने आई है। अब एक बार जब हमारे पास आता है और इससे हम आगे की पूछताछ करते हैं तो उससे और फर्दर डिटेल पता लगेगा। सर, ये लोग एक दूसरे को जानते थे या कुछ रिपोर्ट्स? हाँ, जो बात ये सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, या तो कल ही या उससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ है या बातचीत बंद हुई है। इसका रोष, इसका गुस्सा जो है इस तरह के नृशंस हत्या को अंजाम देने में एक्यूज्ड ने किया है और ये एक अमानवीय और एक नृशंस कृत्य है और इसको ध्यान में रखते हुए जो हम स्ट्रांग एविडेंसेस कलेक्ट कर कड़ी से सजा दिलाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की रहेगी। सर, कुछ रिपोर्ट से ये भी हो रहा है कि ये स्टॉक कर रहा था, ये स्टॉकिंग का भी मैटर है, तो ऐसा भी कुछ है? ये प्रीमैच्योर होगा अभी, लेकिन हाँ, हम जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें ये बात सामने आएगी। सर, इनको जहां से पकड़ा गया, किस तरीके की पुलिस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रही? देखिए, ये जब कल बात ये सामने आई है, जैसा कि मैंने बताया कि टीम्स बनाई गई, टीम को डिस्पैच किया गया और एक टीम जो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, जो लिंक्स के बेसिस पर यूपी के बुलंदशहर जो पहुंची है उस टीम ने इस एक्यूज्ड को पकड़ा है, उसको हम लेकर आ रहे हैं और आगे का इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे। सर, रात से जो वीडियो चल रही है उसमें जो जहां पे वो उनको मार रहा है वहां पे लोग आ रहे जा रहे हैं, भीड़ है, लोग हैं, बट किसी ने भी आगे बढ़ के रोकने की कोशिश नहीं? देखिए, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी है। जब हम सोसाइटी में रहते हैं और हम अगर अपने आसपास में इस तरह का अपराध होता हुआ देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें इंटरवीन करना चाहिए ताकि जो एसलेंट है वो डिसुएड हो और हो हल्ला मचाएं वहां पर, ताकि अगर इस ताकि वो कंटेन हो सके। तो होना तो चाहिए था, हालांकि जो पुलिस का जो काम है वो एक फोकस्ड काम है और वो हम एक प्रोफेशनल पेशेवर तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं।